नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल रियल पुण्य परमात्मा पर। दोस्तों मेरा नाम है अश्विनी कुमार दास। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था मीरा बाई को लेकर, उसके अंदर एक जगत भाई ने कमेंट किया था कि संत रामपाल जी महाराज तो बिना प्रमाणों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज उसी बात पर हम बात करने वाले हैं, प्रमाण लेकर आए हैं कि मीरा बाई कबीर साहब जी से मिली और रविदास जी को गुरु बनाया कबीर साहब जी के कहने पर, और बाकी आप संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बाद में रविदास जी को छोड़कर उन्होंने कबीर साहब जी को गुरु बनाया था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल रियल पुण्य परमात्मा पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल रियल पुण्य परमात्मा को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, इसके लिए दोस्तों प्रमाण के लिए ये जो मैंने YouTube से एक वीडियो लिया है ये वीडियो देखिए आप। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर साहब निर्गुण भक्ति आंदोलन के मसीहा संत और सदगुरु थे। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति परंपरा के संत और भक्त कबीर साहब के निर्गुण भक्ति आंदोलन में भारी संख्या में शामिल होने लगे थे। कबीर पंथ के अनेक शाखा मठों के आचार्य कबीर पंथ में आने से पहले कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत थे। असम के शंकर देव और वृंदावन के हरिव्यास जी कबीर साहब के समकालीन थे। इनके आराध्य कृष्ण थे। इन संतों ने कबीर साहब की वंदना कृष्ण के समानांतर की है। कबीर साहब के समकालीन मीराबाई कृष्ण भक्ति के विख्यात भक्त थी। कबीर साहब के राम भक्ति से प्रभावित होकर उनसे मिलने काशी आई थी। मीराबाई ने कबीर साहब से राम भक्त की साधना का ज्ञान देने का निवेदन किया, परंतु कबीर साहब ने मीरा की योग्यता को देखते हुए रविदास जी के पास भेज दिया। पहले पहल तो रविदास जी ने मीराबाई को राजघराने से संबंधित होने तथा सामाजिक अंतर्विरोधों को ध्यान में रखकर अपने शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, परंतु कबीर साहब के कहने पर रविदास जी ने गुरु समान कबीर बड़ भ्राता कहते हुए मीराबाई को दीक्षा दिया। मीराबाई ने कृष्ण भक्त के साथ राम नाम के मर्म को जिस प्रकार से व्यक्त किया है वह इस सिद्धपीठ का प्रभाव है। यही की सुगंध से सुवासित होकर मीराबाई ने कृष्ण के स्थान पर राम रतन धन पाने की बात कही है। राम रतन का तात्पर्य आत्म तत्व से है। अभी आपने जो वीडियो देखा इस वीडियो से प्रमाणित हो गया कि मीराबाई कबीर साहिब जी से मिली और कबीर साहिब जी ने उन्हें रविदास जी को गुरु बनाने को कहा था। तो दोस्तों अभी जो जैसे मेरे द्वारा जो वीडियो में दी गई आपकी जानकारी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे लगी। बाकी जो उन्हें राम रतन धन पायो या इस तरह जैसे कबीर साहिब जी के बारे में यहाँ पर निर्गुण भक्ति उपासना के बारे में लिखा है, क्योंकि वह अनजान लोगों के ने अपनी सोच के अनुसार लिखा है, जिनको जितना ज्ञान हुआ था उसी आधार पर लिखा है, लेकिन वो तो संत रामपाल जी महाराज ही अपनी सत्संगों में के अंदर प्रमाणित करते हैं कि कबीर साहब जी कौन थे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार करता हूँ। हर कॉमेंट बॉक्स को मैं गहराई से पढ़ता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रियल पुण्य परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले घंटी बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और संत रामपाल जी महाराज से केसों से जुड़े वीडियो अक्सर जरूर लेके आता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।